हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास टेंथ का टॉपिक लाइट। चलिए आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन बाय कन्विक्स मिरर। लास्ट वीडियोस में हमने कनकेव मिरर के बारे में रिफ्लेक्शन का केस देखा, किस तरह से उनके रूल्स थे रे डायग्राम्स बनाने के लिए, फिर हम लोगों ने रे डायग्राम्स बनाए थे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम उसी तरह किसके बारे में बात करेंगे, कन्विक्स मिरर। जो आपके पास क्या थी, कन्विक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियोज में हमने देखा था कि कन्विक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। रीजन भी आइंड अगर हम बात करें तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा था, डाइवर्स कर रहा था, अपने पाथ से कहीं और फैला रहा था, तो उसको हम लोग कौन सा मिरर बोल रहे थे, कन्विक्स या फिर डाइवर्जिंग मिरर। दो तरह के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और एक कन्विक्स मिरर। डिफरेंस क्या था, कनकेव मिरर इज विच इज बेंट इन एंड कन्विक्स मिरर कौन सा था, विच इज बेंट आउट। तो दो चीजें होती है, कनकेव एंड कन्विक्स। कनकेव विच इज बेंट इन, कन्विक्स विच इज बेंट आउट। तो हमने क्या देखा, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कन्विक्स मिरर की, डाइवर्जिंग मिरर की। तो सबसे पहले हम लोग इसके सीखेंगे रे डायग्राम्स, और रे डायग्राम्स के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, इसके रूल्स। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा आज का टॉपिक फ्रॉम द रूल्स। रूल्स सीखेंगे हम लोग, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। आप अपनी नोटबुक्स निकालिए, पेन निकालिए, पेंसिल निकालिए, और साथ साथ इसको नोट डाउन कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर आपको रूल्स आ गए तो आपके पास क्या हो जाएगी, आपके रे डायग्राम्स आ जाएंगे, जो आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम एंड कन्विक्स मिरर के लिए। पहले हमने सीखे थे कनकेव, जिन्होंने कनकेव के नहीं देखे प्लीज उन्हें देखिए, क्योंकि उनको देखने के बाद कन्विक्स मिरर आपके लिए बहुत सिंपल टास्क रहेगा। लाइक सेम हम लोग बात कर रहे थे कनकेव मिरर में, उसमें भी कहा जाता है इफ अ रे, अगर आपके पास कोई रे है इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रे क्या करेगी, पहले तो डाइवर्स करेगी, बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू, वो अपीयर होगी कि वो कहां से पास हो रही है, वो पास हो रही है कहां से, फोकस से, कहां से हो रही है, फोकस है। उसमें हमने लिखा था एक्चुअली इट पासेस थ्रू द फोकस, यहाँ हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा, इट अपीयर्स टू, हो नहीं रहा है, हम जस्ट अपीयर कर रहे हैं, उसको ड्रॉ कर रहे हैं खुद से, तो वो अपीयर कहां पे हो रहा है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू, वो पास होगा हमारे पास कहां से, थ्रू द फोकस। ये हमारे पास मिरर बनाने के लिए यहाँ पेंट किया, मतलब कौन सा मिरर बना दिया हमने, कन्वेक्स मिरर। बेंट इन होता है तो कनकेव, बेंट आउट है, ये बेंट आउट हो गया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया हमारा, ये कौन सा मिरर है आपके पास, कन्विक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रख रहे थे, लेफ्ट साइड में। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे आपका फर्स्ट रूल काम करेगा। फर्स्ट रूल ने बोला इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपके पास कोई रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करेगी हमारे पास, डाइवर्स करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इट अपीयर्स टू, इस तरह से डाइवर्स कर जाती है, जैसे ही रे मिरर के पास आती है, कन्विक्स मिरर के पास, तो वो डाइवर्स कर देती है, बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, वो कहां से अपीयर हो रही है, पास फोकस में से, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। सेम चीज आपने लिख देनी है कि फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, इफ अ रे, अगर आपके पास कोई रे है और वो क्या है, पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, इट, मेन थिंग क्या लिखनी है, इट अपीयर्स टू, एक्चुअल में तो वो क्या होगी, डाइवर्स होगी, एक्चुअल में क्या होगी, डाइवर्स होगी, इसको पोज देके ड्रॉ जरूर करना, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, फोकस हमने पढ़ा था, फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, पोज दीजिए,
अच्छे से बना के देखी दो तीन बार। पहले अपना वही मिरर बनाया, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम थिंग। एंड देन हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे रखना है हमेशा ऑब्जेक्ट क्योंकि इस साइड सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। रखा ऑब्जेक्ट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्सली बट अपीयर्स किससे, और ये पास थ्रू फोकस। देन अब इसका देखते हैं हम लोग सेकेंड रूल। नेक्स्ट आया हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ने क्या बोला, हमने वही हमारा कन्विक्स मिरर ले लिया, डाइवर्जिंग मिरर। इस रूल ने क्या बोला, जो इसका वाइस वर्सा था, कि अगर आपके पास कोई रे आपको लग रहा है इट गोज टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ अगर कोई रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर जाएगी, इट पैर गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखो अब क्या किया हमने, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये कन्वेक्स मिरर, ये आपके पास क्या हो गया, डाइवर्जिंग को शो कर रहा है। अब होगा क्या, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिससे रे आ रही है एंड इट गोज टुवर्ड्स द फोकस, वो क्या हो रही है, टुवर्ड्स द फोकस जा रही है, रे गई टुवर्ड्स द फोकस। जब वो टुवर्ड्स द फोकस जा रही है तो हमने क्या देखा, मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे आ रही थी, फोकस में से जा रही थी, जा नहीं रही थी, इट अपीयर्स टू गोज टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ अपीयर हो रही थी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही थी, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही थी, पैरेलल हो रही थी। तो हमारा सेकेंड रूल आ गया यहाँ से। सेकेंड रूल ने क्या बोला, इफ अ रे गोज टुवर्ड्स, इफ अ रे गोज टुवर्ड्स द फोकस, अगर आपको लग रहा है कि रे कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द फोकस जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इसका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या आ गया हमारे पास, कि कन्विक्स मिरर, रे आ रही थी कहाँ, टुवर्ड्स द फोकस, देन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इसका क्या देखेंगे, थर्ड रूल आया हमारे पास, जो हमारा कनकेव मिरर के अंदर था। अगर आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, देन इट रीट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या कर रही थी, रिट्रेस कर रही थी। सेम केस इसमें होगा, बस हम क्या कह देंगे, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अपीयर्स टू कम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर हमें अपीयर हो रही है कोई रे आ रही है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि वो क्या कर रही है हमारे पास, हमारी रिट्रेस कर लेगी हमारे ही पाथ को, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ अ रे, ये रे दिखा दी हमने, ये रे हमारे पास कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, देन इट रिट्रेस इट्स पाथ, अपने ही पाथ पे क्या करेगी, रिफ्लेक्शन हुई, अपने ही पाथ पर वापिस चली गई। जब वो अपने ही पाथ पर वापिस चली गई, तो हमारी जो बात थी कि रे आएगी, टक्कर खाएगी, टक्कर खाकर वापिस चली जाएगी, तो वही चीज इसमें हो गई कि अगर आपके पास रे आ रही है, अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या कर देगी, रिट्रेस कर देगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अ रे कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे कमिंग towards the center of curvature, if a ray coming towards the center of curvature, then क्या होगा फिर, it retraces its path, वो अपने ही path को क्या कर देगी, retrace कर देगी, then it retraces its path, done। अब देखते हैं हमारा fourth rule। तो फोर्थ रूल ने हमें क्या बताया कि हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हर जगह क्या होगा, वेरीफाई होगा। उसने क्या बोला, दैट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर,
तो हमारा फोर्थ रूल ने क्या बताएंगे आपको कि अगर आपके पास कोई रे आ रही है जो पोल से क्या बना रही है एंगल आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, एक एंगल बनाएगी आर, एंड एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हमारा सेकेंड मेन रूल था कि एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। तो यही हमारे रूल ने सिखा दिया हमें कि रे आ रही थी टुवर्ड्स द पोल, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या चलेगी, एंगल आर बना दिया, एंड एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, चार रूल्स थे रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। तो आप अपनी नोटबुक खोलिए, इनको पॉज कर करके बार बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे इसके इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज रे डायग्राम, जिसके लिए ये सब हमने सीखा है। चलो देखिए रे डायग्राम। तो देखिए जैसे हमने देखे थे कण के मिरर के रे डायग्राम्स, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट की छह पोजीशन हो रही थी क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में ही पोल था, हमारा फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। बट हमारे जो कन्विक्स मिरर है उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा कन्विक्स मिरर, यहाँ पे हमारे पास क्या है पोल, यहाँ पे फोकस, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आपके पास इस तरह से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका मतलब इधर ही पोजीशन अलग अलग हो सकती है, इधर तो पोजीशन कुछ अलग है ही नहीं। जब अलग नहीं है तो हम दो ही केस ले सकते हैं, एक बार तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लाइक ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। सेकंड में हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया आपके पास, और पास आने का मतलब है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि फर्स्ट मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब वो कहीं पे भी दूर प्लेस है, ठीक है। जब वो कहीं पे भी प्लेस है तो क्या होता है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होती है रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने फर्स्ट रूल देखा था, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है देन इट डाइवर्जेस बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, फोकस में से क्या हो जाती थी, वो पास हो जाती है। तो क्या किया हमारे पास, यहाँ पे आई रे डाइवर्ज हो गई बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, अपीयर कहां से हो रही है, वो फोकस में से पास होगी, डन। इतना सेकेंड रूल में भी सेम है, पैरेलल है तो क्या करेगी डाइवर्ज, देन इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, फोकस में से क्या हो गई, वो पास हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या किया, फोकस में से पास हो गई तो फोकस पे क्या बन गई, आपकी इमेज बन गई। तो यही हमने शो करना था कि अगर आपके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी। तो हमने क्या बोला, इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस के ऊपर, अपने आप से तो बनी नहीं क्योंकि अपने आप से तो रे डाइवर्ज हो गई, तो इमेज को हमने बनाया है तभी एरो लगाए हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह से डैश 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 बना रहे हैं इसका मतलब हमारे पास इमेज जो है वो क्या बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। देन इतनी बात, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। फिर बात आती है साइज कैसा होगा, तो ये बिल्कुल पॉइंट पर आकर मिल गया दोनों रेज, तो साइज जो है वो क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर वेरी स्मॉल। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक खोलनी है, इसको बहुत अच्छे से अपनी पिछला जो कनकेव मिरर वाले थे वो रे डायग्राम्स बना के देखने हैं, एंड देन किसकी प्रैक्टिस करनी है, कन्विक्स मिरर की। ये हमने फर्स्ट किया था, अब हम इसका क्या देखेंगे, सेकेंड। तो आप क्या करना है, इसको पोज करना है और सेकेंड पे जाना है। फिर सेकेंड रे डायग्राम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो आपकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी। तो इस बार हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब आप कहीं पे भी प्लेस कर देते हो। तो इस तरह से हमने प्लेस किया ऑब्जेक्ट, फर्स्ट काम वही सेम रहेगा, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई तो डाइवर्स कर देगी, बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, अपीयर कहां से हो रही है कि वो फोकस में से पास हो जाएगी।
अब क्या कहेंगे सेकंड। सेकंड क्या कहते हैं, इफ अ रे कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपकी रे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के कमिंग टुवर्ड्स हो रही है, कमिंग टुवर्ड्स लिखना है क्योंकि एक्चुअल में तो ये हो ही नहीं सकता है। इफ अ रे कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करने के बाद जब हमने उसको बढ़ाया तो एक पॉइंट पर मीट हो गया, और जहां मीट हुआ वहां पर क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि इमेज की फॉर्मेशन हो गई है। तो इमेज की फॉर्मेशन कहां हुई, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में अपने आप तो हुई नहीं, अपने आप तो रे डाइवर्ज हो गई थी। तो क्या हुआ इस बार, इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज की फॉर्मेशन तो हुई बट वो अपने आप से नहीं हुई, तभी वो सीधी बनी और वर्चुअल बनी। तो क्या लिख दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर हमने क्या देखा, उसके बाद इमेज बन गई वर्चुअल इरेक्ट, पोल और फोकस के बीच में बन गई। साइज कैसा हुआ, साइज इसका क्या हो गया, छोटा, तो उसको हमने क्या लिख दिया, डिमिनिश्ड। साइज हो गया छोटा तो उसको क्या लिख दिया हमने, डिमिनिश्ड, मतलब साइज जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड रे डायग्राम, किसका, यूजिंग कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स होते हैं आपके पास, और दोनों को आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ करके देखना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यही है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, बिटवीन पोल एंड द इंफिनिटी, यूजिंग कन्वेक्स मिरर, बहुत बार आपके पेपर में आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि कन्विक्स मिरर जो हम पढ़ रहे हैं उसके यूजेस क्या है, कहाँ डेली लाइफ में आपके यूज आते हैं। जैसे हमने प्लेन मिरर के देखे थे लाल फर्स्ट वीडियो पार्ट में, थर्ड वीडियो पार्ट में हमने कनकेव मिरर के देखे थे, ऐसे इसमें हम लोग किसके देखेंगे, कन्विक्स मिरर के आपके यूजेस क्या है। फिर इनके मिरर फॉर्मूला वही जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस मिरर फॉर्मूला। तो उन सबको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।